तो सभी को नमस्कार। जन सरोकार मंच टोंक की तरफ से मैं भारती पंडित आप सभी का इस चर्चा में, इस बातचीत में हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। यूं तो हम कई सारे विषयों पर चर्चा करते हैं, कई सारे लोगों को इस मंच पर लेके आते हैं, लेकिन आज का जो विषय है और आज का जो व्यक्तित्व है ये कई मायनों में बहुत खास है। और इसलिए मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इस चर्चा को सुनें, इससे शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये हमारी बात पहुंचे। क्योंकि आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं और जिस शख्सियत से बात करने वाले, उस मुद्दे को शायद कभी छुआ ही नहीं जाता या छूकर बस ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो है थर्ड जेंडर का मुद्दा। हमारे समाज में या पूरी की पूरे ही दुनिया में देखा जाए तो हम जेंडर को केवल बाइनरी रूप में देखते आ रहे हैं, यानी स्त्री और पुरुष, जबकि प्रकृति ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। हमने सामाजिक व्यवस्था के चलते इसे केवल स्त्री पुरुष के हिस्से में बांटा है। इसके अलावा हमने कभी कोशिश की ही नहीं है कि इसके आगे भी कोई और स्पेक्ट्रम इसका हो सकता है। जबकि शास्त्रों की बात करें तो हमारे तो शास्त्रों में मर्द नारीश्वर की पूजा करते आए हैं, यानी हम कहते आए हैं कि भाई स्त्री में पुरुष है, पुरुष में स्त्री है। और वैसे भी हम खुद भी ये देखते हैं कि कई बार हम पुरुषोचित गुणों को स्त्रियों में देखते हैं, स्त्रीयोचित गुणों को पुरुषों में देखते हैं। तो इस जेंडर की बाइनरी वाली लाइन को तोड़ते हुए आज हम जो बात करेंगे वो थर्ड जेंडर के मुद्दे पे करेंगे। और हमारे साथ जो विशेष रूप से आज मौजूद है वो सबूरी जी है, सबूरी शंकर जी, जो हमारे साथ अगले एक घंटे बातचीत करने वाली है। तो सबूरी जी, आपका इस मंच पर मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला। सबूरी जी वर्तमान में रायपुर में पदस्थ है पुलिस आरक्षक के पद पे। तो अभी हम इन्हीं से जानेंगे, इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। तो सबूरी जी, कुछ सवाल मैं आपके सामने रखूंगी और कोशिश ये करूंगी कि आप अपनी बात ज्यादा से ज्यादा कह पाए, आप अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। सबूरी जी थर्ड जेंडर की एक्टिविस्ट के रूप में भी काम करते हैं, तो उनकी उस सारे कामकाज को भी हम जानेंगे, उनके एक्टिविज्म को पर हम बात करेंगे। तो पहला सवाल जो नॉर्मल सवाल होता है, सबूरी जी कहाँ जन्मी, कहाँ पढ़ाई हुई, फैमिली का बैकग्राउंड क्या था, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। जी नमस्कार आप सभी को। पहले तो मैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से हूँ और मेरी पढ़ाई कोरबा जिले में ही हुई और अभी फिलहाल मैं रायपुर में हूँ। मेरी पढ़ाई सारी कोरबा में हुई और मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने बीए सोशियोलॉजी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है अपना। जी फैमिली में कौन कौन है सबूरी जी आपकी? अभी मेरी फैमिली में मेरी माँ है और पापा 2019 में एक्सपायर हुए, मम्मी कोरबा में रहती है और मैं यहाँ रायपुर में अकेले रहती हूँ। ओके जी। और खाली समय में क्या करते हो, फिर क्या हॉबीज आपकी, कैसे? देखिए मुझे समय मिलता भी है क्या? पहले ये सवाल, समय मिलता भी है क्या? जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, बिकॉज पुलिस की जो जॉब है वो 24/7 है, आप सभी को पता ही है, और लीव मिलना बहुत डिफिकल्ट है इस डिपार्टमेंट में, तो काम तो रोज ही रहते हैं। अभी भी थोड़ा सा टाइम का इश्यू हो रहा था और मिल जाता है समय अपने लिए, अपने लिए समय हमको निकालना पड़ता है, काम का प्रेशर तो रहेगा ही जीवन भर। और मुझे घूमना बहुत पसंद है तो मैं कहीं ना कहीं घूम लेती हूँ, और उसके अलावा मुझे पढ़ना पसंद है तो मैं बुक्स पढ़ते रहती हूँ, जनरल नॉलेज की चीजें, जैसे जनरल नॉलेज का जो भी सब्जेक्ट है मैं उस पर बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ और खाली टाइम पे ऐसे जनरल नॉलेज वाली बुक्स पढ़ते रहती हूँ। बहुत बढ़िया। जैसे कि हिस्ट्री रिलेटेड हो गए बुक्स हो गए या जियोग्राफी रिलेटेड बुक्स जो हो गए मुझे पसंद है ऐसे। तो सबूरी जी एक मुख्य मुद्दे पे हम आते हैं कि दर्शकों के लिए ये जानकारी कि ट्रांस के पूरे उसको हम साइंस को या इस तरह से जो उसको प्रकृति को कैसे समझते हैं, मतलब उसके बारे में आप अगर बताएं थोड़ा, कि क्योंकि एक्टिविज्म में भी आप काम कर रही है, खुद भी उन सारी पड़ावों से गुजरी है, तो इसको कैसे हम समझेंगे? अगर मैं ट्रांसजेंडर की बात करूं तो मैं हिस्ट्री से थोड़ा सा रिलेट करना चाहूंगी ट्रांसजेंडर्स को।
ऐसा नहीं है कि ट्रांसजेंडर अभी आए हैं। हम रामायण काल में देखें, चाहे महाभारत काल में देखें, या मुगल एम्पायर की बात करें, तो इन सभी समयों में भी ट्रांसजेंडर हुआ करते थे। रामायण में जब राम जी अयोध्या से जब जा रहे थे, अयोध्या छोड़ के जब वनवास के लिए वो जब जा रहे थे, तब उन्होंने सरयू नदी में सभी जो भी अयोध्या वासी है उन सबको रुकने के लिए कहा, और वो आगे वनवास के लिए चले गए। 14 वर्ष का जब वो वनवास पूरा करके जब वो वापस आते हैं, तो देखते हैं कि सरयू नदी के किनारे छोटी छोटी झोपड़ियां बनी हुई हैं। और जब राम जी वहां पहुंचते हैं और देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप अभी तक इन झोपड़ियों में क्यों रह रहे हैं, तो वो बताते हैं कि भगवान श्री राम जी, जब आप 14 वर्ष का वनवास गए थे, तब आपने सभी लोगों को वापस जाने के लिए कहा था। आपने नर और नारी शब्द का प्रयोग किया था, आप किन्नर शब्द कहना भूल गए थे, इसलिए हम आज भी आपकी प्रतीक्षा पे सरयू नदी के किनारे यहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या तो बात है। ऐसी हमारी ट्रांसजेंडर की हिस्ट्री है, मतलब रामायण काल से वो चली आ रही। और अगर मैं आज अगर मैं ट्रांसजेंडर डेफिनेशन की बात करूं, और ट्रांसजेंडर्स के जो एक्ट हैं या जो नालसा जजमेंट आया ट्रांसजेंडर्स को लेके, उसमें ट्रांसजेंडर्स का डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने परिभाषित किया है ट्रांसजेंडर को। हम कई बार ऐसा हो जाता है कि लोगों के अंदर आज भी मिथ है कि अगर कोई बच्चा जिनके प्राइवेट पार्ट्स अच्छी तरीके से डेवलप नहीं है, उनको लोग ट्रांसजेंडर बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। ट्रांसजेंडर का परिभाषा यही है कि अगर कोई बच्चा है जो लड़की के शरीर में पैदा हुआ और उसकी फीलिंग्स या मेंटालिटी लड़कियों जैसी है, या कोई बच्चा लड़कियों जैसा पैदा हुआ है और वो अपने आप को लड़का मानती हो और वो लड़कों जैसा रहने चाहती हो, उसकी मेंटालिटी लड़कों जैसी है, वो लोग ट्रांस है। तो ये बहुत बड़ा मतलब मिथ चला आ रहा है कि वो प्राइवेट पार्ट्स हम देख के जज करते हैं, बट हम किसी के प्राइवेट पार्ट को देख के जज नहीं कर सकते कि वो बच्चा क्या है। हमारी वो मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और सुप्रीम कोर्ट भी ये साफ साफ ये कहता है कि अगर कोई अपने आप को ट्रांसजेंडर मानता है तो वो ट्रांसजेंडर है। हम उसके शरीर के स्ट्रक्चर को देख के नहीं डिसाइड कर सकते कि वो क्या है, उनकी मेंटालिटी के ऊपर है, उनकी सोच के ऊपर है, या उनके फीलिंग्स के ऊपर है। तो ये ट्रांसजेंडर का उन्होंने डेफिनेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये बहुत ही अच्छा है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि बहुत जरूरी भी था कि ये ट्रांसजेंडर को लेके वो परिभाषित करें, और उनके एक्ट में जो आया है ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 में, उसमें ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर की हुई है। और एक चीज और है कि हमारी कम्युनिटी में अलग अलग टाइप्स भी हैं। हिजरा कल्चर है, ट्रांस वुमेन है, क्वीन कम्युनिटी के लोग हैं, ऐसे अलग अलग और भी कम्युनिटी हैं। आप देखे होंगे कि जो लोग घरों में बधाइयां मांगने जाते हैं या ट्रेनों में कलेक्शन करते हैं, ऐसे लोगों को हम हिजरा बोलते हैं। उसके बाद एक ट्रांस वुमेन टाइपोलॉजी होती है, जिसमें या ट्रांस वुमेन की टाइपोलॉजी होती है, जो वर्किंग ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनको हम ट्रांस वुमेन या ट्रांस गर्ल के नाम से जानते हैं। एक टाइपोलॉजी होती है क्वीर, जो अपने आप को क्वीर या नॉन बाइनरी जो लोग होते हैं, हाँ, तो अपने आप को किसी जेंडर क्राइटेरिया में नहीं डालना चाहते, वैसे लोग भी ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में आते हैं। जी। तो बाहर के देशों में तो पूरा आंदोलन चल रहा है एलजीबीटी का, और हम सब जो कहते हैं सारे इसका एक्चुअली, तो मतलब जी। कि किसी किसी भी सेक्स को लेके इतनी कोई पूर्वाग्रह ना हो किसी के मन में भी, पूरा राइट। आंदोलन चल रहा है। बिल्कुल, हमारे और देश में भी ऐसा, उस तरह के नजरिए की जरूरत है ना। हाँ, देखिए अगर मैं बात करूँ बाहर के देशों की, यहाँ की भी या इस देश में भी बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। इवन ट्रांस मैरिज को लेके आपने सुना होगा, ट्रांस मैरिज को, बिल्कुल सेम सेक्स मैरिजेस को लेके बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं। 2014 से पिटिशन, 2014 में नालसा जजमेंट आया था ट्रांसजेंडर्स के ऊपर, उससे पहले से पिटिशन लगा के वो काम धीरे धीरे चालू हुआ था। आज भी ट्रांसजेंडर एक्टिविज्म है, और मैं कहीं ना कहीं ये सोचती हूँ कि हमारा देश बाकी देशों से कहीं आगे है, और उन्होंने डायरेक्ट हमें ट्रांसजेंडर्स को गवर्नमेंट जॉब्स में जगह दी है, तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे देश के लिए या हमारे राज्य के लिए, मैं बोलूंगी। तो हम भी मतलब हमारे देश में भी ट्रांसजेंडर एक्टिविज्म बहुत अच्छे से चल रहा है, और आज भी हम देखते हैं बहुत सारे प्राइड मार्चेस होते हैं, बहुत सारे गैदरिंग इवेंट्स होते हैं, तो ये सब इंडिया में भी होते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि इंडिया भी इन सब चीजों में बहुत अच्छा है और बहुत तरक्की कर रहा है। स्वीकार्यता थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है ना जी इसी जी जी लेके। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल जी क्योंकि जी हमें भी लगता है, जैसे बचपन की अगर मैं बात याद करूं तो बहुत सारा ऐसा होता था, क्या लड़कों जैसे रहते हो या क्या लड़कियों जैसा करता है ये लड़का। तो उस समय शायद उन लोगों को कभी किसी ने आइडेंटिफाई ही नहीं किया होगा कि
ये लड़के के शरीर में है लेकिन इसकी कुछ शायद आकांक्षाएं कुछ और है, या ये लड़की के शरीर में लेकिन अपने आप को लड़की मानती ही नहीं है। तो हाँ ये इस हाँ तरह के उन्होंने, उन बच्चों ने बेचारों ने कितना क्या ही फेस किया होगा, मतलब जब हम जिस उस शरीर में है लेकिन उस जेंडर को हम स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस उस समय रहे होंगे लोगों के सामने ना। एक्चुअली वो बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। देखिए, क्योंकि हम मैं अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक लड़के के शरीर में पैदा हुई, और मैं जब स्कूल जाती थी तो मुझे लोग चिढ़ाते थे, लिटरली चिढ़ाते थे कि तुम लड़कियों जैसे क्यों हो। मेरे जो सहपाठी होते थे वो चिढ़ाते थे, या मेरे टीचर्स भी मुझे कई बार बोल दिया करते थे कि थोड़ा लड़कों जैसे रहो। पड़ोसी बोल देते थे कि थोड़ा लड़के हो, लड़के जैसे रहो। तो ये सारी चीजें मैंने फेस की है बचपन में, और मैं आपका जनरेशन देखती हूँ तो कहीं ना कहीं मतलब लोगों की जो कम्युनिटी की जो कम्युनिटी को लेके जो एक नजरिया है लोगों का, आज वो थोड़ा चेंज हो गया है। तो उससे भी इफेक्ट ऑब्वियसली दिखता है कम्युनिटी में। मैं जब स्कूल में थी तो स्कूल में ये सारी चीजों का मुझे सामना करना पड़ता था, और उस कारण मुझे स्कूल अपना बीच में ड्रॉप करना पड़ा। मुझे 8 में अपना स्कूल ड्रॉप करना पड़ा था। उसके बाद मैंने प्राइवेट एजुकेशन लिया है, और मैं आज के बच्चों को जब देखती हूँ पढ़ते हुए, या मैं, क्योंकि बच्चे अभी छोटे होते हैं तो हमको जानने में ही टाइम लग जाता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो आज मैं अगर ड्यूटी में रहती हूँ और कुछ मैं छोटे बच्चों को देखती हूँ, अपने जैसे छोटे बच्चों को देखती हूँ जिनका एक्टिविटी मतलब उनके शरीर से थोड़ा अलग होता है, तो मैं ऐसे बच्चों को देख के मुझे अच्छा लगता है कि आज इनके लिए थोड़ा सेफ स्पेस है। हमारे टाइम में ऐसा कोई हमको बताने वाला नहीं था, या हम उतने अवेयर नहीं थे उस चीज को लेके। और आजकल के बच्चों को हम देखते हैं, जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अनुसंधान जो शिक्षा पे काम करता है, शिक्षा अनुसंधान केंद्र, तो उसपे जो हमारी SCERT की जो बुक्स होती हैं, हमने बुक्स पे भी छत्तीसगढ़ की जो हमारा जो बुक्स है, जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा सिलेबस, उसमें ट्रांसजेंडर सब्जेक्ट को ऐड किया हुआ है। तो आज जब हम बहुत 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चों को जब देखते हैं कि वो बच्चे ट्रांसजेंडर क्या है, ट्रांसजेंडर कौन होते हैं, ये सब पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी अवेयरनेस आ रही है और उनको स्कूल में ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मैं ऐसा सोचती हूँ। बिल्कुल तो ये सेफ सही बात, स्पेस क्रिएट हो रहा है आप बिल्कुल। कम्युनिटी के लिए। जी 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 और दूसरी बात है ना कि बात होगी नहीं तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी, मतलब हमको राइट पता ही नहीं है, अगर इन मुद्दों को अगर डिस्कशन में लाया ही नहीं जाएगा तो फिर लोग समझेंगे कैसे ना, क्योंकि कई सारे मिथ जो चले आ रहे हैं वो उन्हीं तरह से जाते हैं यस सभी। यस तो मैं ऐसा मतलब सोचती हूँ। हाँ सॉरी सॉरी, जी, नहीं बोलिए। आप कंटिन्यू कीजिए, आप बोलिए बोलिए। मैं ये बोल रही थी कि जैसे आपने बताया कि सारी जगह बातें हो रही हैं, अवेयरनेस हो रहा है, और मैं ऐसा समझती हूँ कि सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम लोगों से बात करें, लोगों से मिले जुले, कहीं पर कनेक्ट हों, कहीं हम उस सब्जेक्ट पे चर्चा जब तक नहीं करेंगे ना, तब तक वो सब्जेक्ट जो भी रहे, जरूरी नहीं है मैं ट्रांसजेंडर की बात करूं, किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, किसी के लिए तभी तक तब तक अवेयरनेस हमको बढ़ाना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट पे हो। आज मैं बोलती हूँ बच्चों को, जब मैं पढ़ते देखती हूँ ट्रांसजेंडर क्या है, या फिर कि क्या उस विषय पे वो लोग बात कर रहे हैं स्कूलों पे, कॉलेजेस पे, तो कहीं ना कहीं उससे हमको समझ बन पा रही है कि ट्रांसजेंडर क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो डेफिनेटली मैं देखती हूँ समाज में उसका अच्छा एक मैं बोलना चाहूंगी समाचार के तौर पे या न्यूज के तौर पे एक अच्छा इफेक्ट हमको दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं कम्युनिटी भी इस चीज को लेके बहुत खुश है कि आज उनको लोग जानने समझने लगे हैं, एक्सेप्टेंस बढ़ गया है, आज हमारी कम्युनिटी को लोग एक्सेप्ट करते हैं। मैं अपनी ही बात करूं तो मैंने जब जॉब में ज्वाइनिंग ली, उस टाइम मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्टीज थी, क्योंकि जब हम ड्यूटी पे जाते थे तो लोगों के अलग अलग रिएक्शंस भी आते थे कि ये तो ट्रांस है तो ये यहाँ पर कैसे। तो अब मैं उस देखती हूँ कि वो नजरिया धीरे धीरे चेंज हो गया है। आज मैं कहीं पर जा रही हूँ वर्दी पहन के, या लोगों को पता भी चल रहा है कि ट्रांस है, तो वो बहुत नॉर्मल हो गए हैं उस चीज को लेके कि ठीक है ये भी तो हमारे जैसे हैं। तो कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस का ही एक पार्ट है। और मैं बोलती बिल्कुल हूँ बहुत सारे ऐसे NGOs हैं, या आप जैसे लोग हैं जो हमें आगे ला रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा आप सभी का इनिशिएटिव है, और ये हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम ऐसे और भी अच्छे अच्छे लोगों से जुड़ पा रहे हैं। ये तो जी सबूरी जी, थोड़ा बचपन में अगर वापस जाएं तो मतलब आप इसको मना भी कर सकते सवाल का जवाब देने से, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन कब महसूस हुआ मतलब कि आप जिस शरीर में हैं उस शरीर में आपका मन नहीं है, जैसे ट्रांस से कब महसूस हुआ, किस उम्र में ऐसा लगा या किस तरह से लगा ऐसा? ओके हाँ जी, जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक लड़की के शरीर में पैदा हुई थी। मेरा हाँ नाम शंकर हुआ करता था, लेकिन अच्छा मेरा नाम हाँ, मेरे तो इसीलिए बचपन का आपने नाम शंकर। या हम्म, जी, मेरा बचपन का नाम शंकर शंकर है। और मैं जब मैं बोलना चाहूंगी, जब मैं 7-8 साल की उम्र में ना, मुझे बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंट महसूस होने लगा कि बच्चों का इंट्रैक्शन अलग होता है। या ऐसा 10-12 साल के आते आते मुझे ऐसा एहसास हो गया। उस टाइम मैं स्कूल में थी, तो मैं देखती थी जो मेरे सहपाठी थे लड़के लड़का, मेरा एक्चुअली कोएड स्कूल था, तो लड़के लड़कियां सब हुआ करती थी। तो मैं उस टाइम तो लड़कों के साथ बैठा करती थी, क्योंकि मैं बायोलॉजिकली मेल, मैंने बताया कि मैं मेल। लड़के के पैदा हुई। तो मैं जब उस टाइम देखती थी कि मेरे जो साथ में बैठने वाले लड़के हैं वो लड़कियों की तरफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, और मुझे मेरा जो अट्रैक्शन था वो लड़कों की तरफ था। हाँ तो वो थोड़ा सा जो मेरा अट्रैक्शन था, तो मैं हमेशा अपने आप को अलग सोचती थी। तो मुझे 13-14 साल वाला जो एज था, उसमें मुझे रियलाइज होने लगा कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ। उस टाइम मुझे ये ट्रांस शब्द या किन्नर शब्द, ये नहीं सब शब्दों के बारे में नहीं पता था, बट ये जी जरूर पता था कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ। तो मैं बोलूंगी कि मुझे 13-14 साल या 15 साल की उम्र तक मुझे अच्छे से रियलाइज हो गया था कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ। बाकी बच्चों का अट्रैक्शन जो होता है, उससे मेरा अट्रैक्शन अलग है। तो मैंने अपने एक टीचर से भी बात की थी उस बारे में। साइंस की टीचर थी, एक क्लास में साइंस की टीचर हुआ करती थी, तो मैंने उनसे बात की थी। तो उन्होंने कहा कि आप हो सकता है आप तुम डिफरेंट हो लोगों से, मगर जरूरी नहीं है कि तुम बताओ। शायद उस टाइम अच्छा टीचर्स को भी उतना अवेयरनेस नहीं था इस बारे में। आज यस टीचर अवेयर हो गए हैं, बच्चों को सपोर्ट करते हैं। तो अगर बिल्कुल शायद मुझे उस टाइम थोड़ा और अच्छे से सपोर्ट मिला होता, तो मुझे स्कूल ड्रॉप आउट नहीं करना पड़ता। ये मेरा बिल्कुल रीजन है, मैं बोलूंगी। अच्छा। एक्चुअली उस जी जी समय थोड़ा ये, और क्या होता है ना कि हमारे यहाँ एक चीज और बड़ी है कि कुछ हो रहा हो तो बताओ मत, इसको रहने दो, लोग क्या हाँ कहेंगे। ये एक्चुअली एक बड़ा अजीब किस्म का हाँ डर हाँ है, लोग क्या कहेंगे, जबकि लोग कुछ हाँ नहीं कहेंगे, क्योंकि लोग है कौन ही है? हमारे आसपास के लोग हैं जिनको हम कन्विंस कर सकते हैं, और उन लोगों से जी ज्यादा जी हमारी जिंदगी इम्पोर्टेंट है, लेकिन और मैं ये आज सभी भी ये के साथ देखती हाँ मैं आज भी ये देखती हूँ कि अभी के जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं वो सामने इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उनके फैमिली के ऊपर क्या बीतेगी, समाज का उनका बिल्कुल रिएक्शन क्या होगा जब हम बता देंगे कि हम ऐसे हैं। तो वो आज भी वो चीजें चली आ रही हैं। आपने जैसा बोले लोग लोग क्या कहेंगे, हम भी जब छोटे थे या जब धीरे धीरे बड़े होने लगे, तो अपने घर घर वालों के सामने आने में इतना टाइम लग गया। या हम उस टाइम तक भी यही सोचते थे कि अगर मैं कुछ बोल दूं तो उनका रिएक्शन क्या होगा, क्या पड़ोसी होगा। क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। तो ये अभी भी ये थोड़ा कॉन्सेप्ट चला ही आ रहा है। मैं बोलूंगी ये अभी तक चीजें खत्म नहीं हुई है, बट अवेयरनेस जितना ज्यादा होगा ट्रांसजेंडर को लेके, तो मुझे लगता है उससे थोड़ी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। वही तो, परिवार के सामने ये कब डिस्क्लोज हुआ कि भाई इस तरह का है, या बात की गई, या फिर उनको सहमत कराने में कुछ स्ट्रगल हुआ या नहीं, ऐसा कुछ अगर बताना चाहे तो? मैं बोलती हूँ कि जब मैं जॉब पे आई, मेरी 2021 पे जब जॉब लगी, उसके बाद मैंने अपने आप को थोड़ा डिस्क्लोज किया। मुझे पता था कि मेरे घर वाले मेरे बारे में जानते हैं, मतलब जानते हैं इन द सेंस, क्योंकि मेरा बिहेवियर थोड़ा गर्लिश था। ये कई बार ये भाग्य की बात होती है, या आपकी अच्छा अच्छी किस्मत होती है जब परिवार आपको स्वीकार करता है, नहीं तो परिवार के अंदर ही बहुत सारी मुश्किलें होती है, तो हम शायद उसी को फेस करने में अपनी जिंदगी बिता देते हैं। सही बात है। और किस किस ने पूरे संघर्ष में मदद की सबूरी जी, आगे आने में, सेटल होने में, या इन सब चीजों में? हाँ हेलो, सॉरी भारती जी, हेलो, कॉल हाँ आ गया था तो वो जी जी वॉइस जी नहीं, कोई सॉरी बात नहीं, सॉरी, कोई मैं यही बोल क्या रही थी, मैंने क्वेश्चन कहा था कई बार आपका? हमें परिवार को कन्विंस करने में ही बहुत समय लग जाता है, और इसी वजह से जी शायद जी वो जी बातें आगे ही नहीं आती, या हमेशा ही एक असहमति बनी ही रहती है। जैसे मेरी एक मैं परिचित है, उनके परिवार का उन्होंने मतलब परिवार ने उनके साथ रिश्ता तोड़ ही लिया है, क्योंकि वो बोले हम ओके इसको गवारा नहीं कर सकते। तो कई बार हम जब केवल बाइनरी में विश्वास करते हैं ना, तो ये सारी चीजें भी बहुत फेस करनी पड़ती है। तो इसीलिए कि आपके प्रति क्या रवैया रहा, यही मेरा सवाल था। जी
मैं अगर देखूं तो आज भी भारत देश की अगर मैं बात करूं, दूसरे देशों में एक्सेप्टेंस थोड़ा ज्यादा है। भारत में आज भी सिर्फ 2 से 3% ट्रांसजेंडर्स होंगे जो अपने घरों पे रहते हैं, या उनके घरों में एक्सेप्टेंस है, या घर वालों के साथ रहते हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी कम्युनिटी के लिए। दूसरी चीज ये भी है कि आज भी लोगों का यही मानना है, या घर परिवार वालों का यही मानना है कि अगर हम अपने बच्चे को अपना लेते हैं तो समाज हमारे बारे में क्या बोलेगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और समाज के डर से घर वाले नहीं अपना रहे। तो जब तक घर वाले ही नहीं अपनाएंगे, तब तक समाज भी नहीं अपनाएगा। तो कहीं ना वही कहीं उसकी शुरुआत घरों से ही होनी है। अगर किसी के घर में ऐसे बच्चे हैं, या आप अपने आस पड़ोस भी देख रहे हैं ना, तो उनको एक्सेप्ट कीजिए। जब तक आप उनको छोड़ते रहेंगे या उनको अलग करते रहेंगे, तो ऐसी चीजें चलती रहेंगी। और अगर माँ बाप ही समझ जाए कि हमारा बेटा या बेटी, जैसे भी हम उनको एक्सेप्ट करते हैं और उनके सपोर्ट पे खड़े हो, बैक सपोर्ट पे खड़े हो, तो फिर वो रिश्तेदार कुछ भी बोले या समाज कुछ भी बोले, फिर उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही बहुत बड़ा चैलेंजिंग है मेरे लिए। अगर मैं बात करूं तो आज भी मेरे लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि मेरी मम्मी के साथ मेरी चीजें ठीक हैं, मेरी दीदियां हैं, तो अब उनका ससुराल है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें थोड़ी क्लैश होती हैं कि वही उनका सेंस है, बट वो उनको भी ऐसा आज भी है कि हमारे ससुराल वाले क्या सोचेंगे। तो वो थोड़ा सा चला आ रहा है अभी भी मेरी लाइफ में, मैं बोलूंगी नहीं, एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी चीज है। तो बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल और घर वाले एक्सेप्ट कर लेना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। जब सब कुछ मम्मी साथ पापा में, पीछे खड़े होके बोलेंगे कि नहीं, हमारा बच्चा है, जैसे भी वो है, हम बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर दुनिया में कोई कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और उससे बच्चे को सपोर्ट तो मिलेगा ही, उसका मोराल भी बढ़ेगा, और वो अपने अपने आप को अच्छे से इनहेंस कर पाएगा, और वो जो चीजें करने चाहते हैं उस चीज पे फोकस कर पाएंगे। ये मैं बोलूंगी तो जी। मुझे हमेशा से लगता है कि मतलब हमारे देश में या बाहर के देशों में देखा जाए तो माता पिता बनने से पहले पेरेंटिंग का एक पूरा ट्रायल होता है, एक पूरा कोर्स, या पेरेंटिंग कैसे की जानी चाहिए इस पर बहुत लंबा डिस्कशन होता है, उनको एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत होने लगी। अब में हमारे यहाँ उस तरह का कोई, किसी तरह का कोई चलन नहीं है। मतलब ये है कि शादी होनी है, बच्चा पैदा होना, बच्चा तो सभी लोग पाल लेते, जबकि बच्चे पालना है सबसे मुश्किल काम है, परवरिश करना बच्चे की मुश्किल काम है। तो जी मुझे लगता है, मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ कि कितना खूबसूरत होगा हर पेरेंट्स जो बनने वाले हैं उनके साथ इस तरह की बातचीत, तो उन्हें ये भी बताया जाए कि भाई केवल बाइनरी में चीजें नहीं चलती कि लड़का हुआ है कि लड़की हुई है। तो एक जेंडर के स्पेक्ट्रम को देख के उनकी अवेयरनेस अगर शुरू से बढ़ ही जाए तो शायद वो ज्यादा अच्छी तरह से देख पाएंगे कि अच्छा, हमारे बच्चे में अगर इस तरह की खासियत है, हमारे बच्चे में इस तरह के कुछ अलग दिखाई दे रहा है हमें, तो हमें उसके साथ बात करके या किसी एक्सपर्ट के साथ बात करके उसका स्वीकार्यता बनानी है। तो वो शायद सबसे अच्छा दृश्य होगा हमारे देश में भी या बाहर के और भी देशों में जहाँ पेरेंट्स इस जी चीज को स्वीकार कर रहे होंगे। ओके। मैंने कुछ दिनों पहले एक बुक पढ़ी थी, या एक स्टोरी पढ़ी थी मैं बोलूंगी, जो कि अमेरिका पे, मतलब अमेरिका की स्टोरी है। वो एक ट्रांस वुमेन की स्टोरी है। वो जब छोटी थी, लड़के के शरीर में पैदा हुई, 7-8 साल तक उसको रियलाइज हो गया, और उसके मम्मी पापा इतने उसको लेके सपोर्टिव थे कि उसकी काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग चलती रही, और फिर उसको डॉक्टर से मिलवाया, उसकी सर्जरी हुई, नाउ शी इज अ ट्रांस वूमेन, और वो बहुत हैप्पी है। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि उनके यहाँ उस चीज को लेके अवेयरनेस थी, ट्रांसजेंडर को लेके अवेयरनेस थी, इसलिए उसके मम्मी पापा ने उसे इतना सपोर्ट किया। और वो बिल्कुल जरूरी भी है कि मम्मी पापा को लड़का लड़की के अलावा भी अगर कोई चीजें आ रही है हमारे सामने, तो हमको उनको एक्सेप्ट करना है। आपने जैसे बात की कि पेरेंटल एक गाइडेंस होना जरूरी है, या काउंसलिंग की जरूरी है, मम्मी पापा जो भी बनने वाले हैं, या जो प्रेग्नेंट हैं, या जो भी जो बनने वाले हैं उनके लिए। तो मैं डेफिनेटली ऐसा सोचती हूँ कि अगर इंडिया में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता कि लड़का लड़की के अलावा भी कुछ, मतलब और भी एक जेंडर है हमारा, तो अगर उससे भी आएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाली चीजें नहीं है, तो बहुत अच्छा, मतलब इनिशिएटिव होगा, मैं तो बोलूंगी, जो हमारे ट्रांस कम्युनिटी को और इम्पावर करेगा, और उसे बच्चे को परेशानी नहीं होगी। माँ बाप अगर बचपन से ही उसको सपोर्ट करेंगे, और बच्चे के बोलने से पहले ही अगर वो चीजें माँ बाप समझ जाते हैं, तो वो तो बच्चे के लिए बहुत
अच्छी बात होगी। वही अब मैं ऐसा देखती हूँ, या अब अगर हम अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ शासन की बात करें, जो अभी चीजें चलती आ रही हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में जो भी हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल है गवर्नमेंट के साथ, जैसे टीचर्स ट्रेनिंग हो गया, या आंगनबाड़ी जो वर्कर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग हो गई, या फिर और भी जो हमारे ऑफिसर्स ग्रेड के लोग होते हैं उनकी ट्रेनिंग, या फिर पुलिस वालों की जो ट्रेनिंग होती है, उन सभी के करिकुलम में कहीं ना कहीं उन्होंने ट्रांसजेंडर ऐड कर दिया है। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो बहुत जरूरी है कि अगर हम जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या नीचे तबके के लोग हैं, जो गांव से लेके शहर तक पहुंचने वाले लोग, या गांव में कार्य करने वाले लोग हो चाहे शहर में काम करने वाले लोग, और वो लोग अगर जाके सारी चीजों पे अवेयरनेस बढ़ाते हैं, जैसे कि हम सभी बोलते हैं कि बच्चों का पहला स्कूल आंगनबाड़ी है, आज भी गांव में आंगनबाड़ी चलते आ रही है, और अगर जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनको हम ट्रांसजेंडर पढ़ा दें या उनको ट्रांसजेंडर के लिए अवेयर कर दें, तो उनके पास जो बच्चे आएंगे डेफिनेटली उनको वो अच्छे से ट्रीट करेंगे, समझ पाएंगे कि ट्रांसजेंडर क्या है। और कहीं ना कहीं मैं ऐसा भी सोचती हूँ कि जब हम आज उनको हम जब बताने लगे हैं कि ट्रांसजेंडर ऐसे ऐसे होते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, तो मैं पिछले एक सेशन में थी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ था मेरा सेशन, कोरबा में था एक सेशन था, तो जब मैं वहां गई तो वो जो आंगनबाड़ी वर्कर्स जो आए हुए थे उनके मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे कि हमारे पास एक ऐसा बच्चा है जिनका बिहेवियर थोड़ा लड़कियों जैसा है, हम उनको कैसे ट्रीट करें, या कोई लड़की है जो थोड़ा मेनली रहना चाहती है, हम उनको कैसे ट्रीट करें। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि कोई तो हमारी कम्युनिटी के ऊपर ध्यान दे रहा है, तब हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और मैं सोचती हूँ अगर आज हम उन आंगनबाड़ी वर्कर्स को अवेयर कर रहे हैं, तब वो बच्चों के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो मैं बोलूंगी कि अगर ऐसे कोई भी बच्चे आपको दिखते हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी में हो चाहे स्कूल में हो, तो अगर हम उनको थोड़ा सा केयर दें, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें, तो वो डेफिनेटली अच्छा करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई तो उनके बैक सपोर्ट में खड़ा है, उनको ये भी फील होगा। मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर आज मुझे स्कूल में वो बैक सपोर्ट जो अभी जो मिल रहा है बच्चों को स्कूल से, आंगनबाड़ी से, कॉलेज में अवेयरनेस के थ्रू, तो उस टाइम अगर ये अवेयरनेस चला होता तो मैं अपने आप को और ज्यादा अच्छे से जान पाती, और मेरे मेरे साथ जो स्कूल में जो इंसिडेंट हुआ वो इंसिडेंट मेरे साथ ना हुआ होता, मेरे जो क्लासमेट थे वो भी मेरी मेरी फीलिंग्स को समझते, टीचर्स मेरी फीलिंग्स को समझते। तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और बिल्कुल चाहे वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो चाहे किसी भी चीज को लेके, अब मैंने आंगनबाड़ी का एग्जाम्पल लिया, कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहे हैं एलजीबीटी कम्युनिटी को लेके, स्कूल्स में हो रहे हैं, स्कूल के टीचर्स के पास जब हम जाते हैं तो कई बार किसी किसी स्कूल के टीचर्स का भी मुझे कॉल आता है कभी कि मैडम हमारे यहाँ ऐसा बच्चा है जो है तो लड़की मगर थोड़ा लड़के जैसा रहना चाहता है, तो हम उसको कैसे सपोर्ट करें। तो बस उनको थोड़ा सा केयर देने की जरूरत है, वो जैसे रहना चाहते हैं वैसे एटलीस्ट स्कूल में थोड़ा सा तो उनको फेमिलियर फीलिंग दो, और उनको उनके लिए थोड़ा सा एनवायरमेंट जो वहां का है स्कूल का वो थोड़ा इनेबल कर दो, ताकि बच्चे को कोई बुली ना करे, तो वो डेफिनेटली वो बच्चा बहुत अच्छा कर पाएगा, और अपनी मेंटालिटी को और अपना जो भी उसके अंदर जो चीजें चल रही होंगी उनको वो अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। जी सही बात है। और मुझे लगता है कई बार है ना, मतलब दोनों तरीके की चीजें होती है। कई बार बच्चे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी अदर जेंडर की चीजें अपनाना चाहते हैं, लेकिन अगर जैसे बहुत छोटा बच्चा अगर लिपस्टिक लगा रहा है, तो इसको कंक्लूड हम यू ना करें कि वो एक्चुअल गर्लिश हो गया है। वो शायद उसके यस साथ एक्सपेरिमेंट भी करना चाह रहा होता है कि भी माँ की लिपस्टिक रखी है, मैं लगाऊंगा तो दिखूंगा कैसा। तो कई यस चीजों यस में मतलब बहुत स्टेबल होने की जरूरत है, कि बहुत सारे अगर ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं उसके बाद आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, अदरवाइज इट इज टू अर्ली कि भाई एक बार बच्चे ने ये किया। जैसे कई बार पैंट शर्ट सभी का पसंदीदा परिधान है ना, या लड़ना भिड़ना वाला जो मामला होता है, भी लड़कियां भी दबंग है, लेकिन उसको यस कंक्लूड यू ना करें कि भी पैंट शर्ट पहन ली और लड़ भिड़ ली तो फिर बॉयज हो गए, मतलब वही है। तो बिल्कुल ये जो हम बिल्कुल अवेयरनेस की भी बात बिल्कुल करते हैं, उसको माइन्यूट चीजों में तोड़ना भी बहुत जरूरी है कि कब हम कंक्लूड करेंगे। जब तक वो बच्चा खुद ना कहेगा कि भाई नहीं, और वो पूरा पूरा हाँ सेक्सुअल पूरा अट्रैक्शन है, उन सब चीजों का भी मामला है ना, तो इसको लेके। और ये बहुत बात अच्छी लगी मुझे कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है, इट्स वेरी गुड। तो अगर इस तरह के अवेयरनेस सेशन वगैरह कर रहे हैं तो बहुत अच्छी। आपने जो बोला मैं बिल्कुल उस चीज से सहमत हूँ, हम किसी को छोटी सी चीजों के लिए जज नहीं कर सकते,
और सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ यही कहा है, मैंने बताया कि जब तक कोई अपने आप को ट्रांसजेंडर अपने आप एक्सेप्ट को नहीं कर रहा है तब तक आप हम उनको ट्रांसजेंडर नहीं बोल सकते। उनकी सेक्सुअलिटी अलग हो सकती है, उनकी फीलिंग्स अलग हो सकती है, और आपने जैसे बोला कि एक बार कि किसी इंसिडेंट से हम उनको जज नहीं कर सकते, ऑब्वियसली ये बहुत मतलब बहुत जरूरी है। मैं देखती हूँ कि कई बार छोटे बच्चों को ना, मतलब वो तो शुरू से चला रहा है कि बच्चे को, कोई लड़का है स्कूल में, उसने एक गर्लिश परफॉर्मेंस दे दी तो लोग उसको जज करने लग हाँ जाते हैं, बट हम उनको जज नहीं कर सकते जब तक वो खुद बिल्कुल एक्सेप्ट ना करे कि उसकी फीलिंग्स क्या है। तो ये डेफिनेटली गलत चीज है, और मैं तो यही सोचूंगी कि अगर कोई बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं अंदर से अलग हूं तो उसको अपना टाइम लेना चाहिए, अपने आप को अच्छे से अपने अंदर ऑब्जर्व करना चाहिए कि उसके अंदर कौन सी चीजें चल रही हैं, उसकी सेक्सुअलिटी क्या हो सकती है, उसका अट्रैक्शन क्या हो सकता है, उस हिसाब से फिर हम देखें कि बच्चों को हम कैसे सपोर्ट करते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और इसके लिए मुझे लगता है माँ बाप को भी ना बच्चों के साथ बात करने का समय निकालना चाहिए। हमारे यहाँ इन यस जनरल घरों में क्या होता है, मम्मी आई है, पापा आए हैं, बच्चों से सिर्फ इतनी बात हो रही, पढ़ाई की, होमवर्क किया, कितने मार्क्स आए, कितना कैसे हुआ। इसके अलावा हम बच्चों के इमोशंस पे, फीलिंग पे बात ही नहीं करते कभी उनके साथ। शायद ही याद होगा हमारे साथ भी कभी किसी ने बात की होगी, तुमको कैसा लग रहा है, हाउ यू आर फीलिंग, मतलब खुश हो क्या, खुश हो दुखी हो, कोई किसी ने सवाल ही नहीं किया आज तक जीवन में। तो वो जब तक सवाल इस तरह के नहीं होंगे ना, तब तक कैसे बच्चा अपना मन कहेगा ना आपसे, ये भी तो बड़ा वाला मामला है। हाँ देखिए, बिल्कुल पहले तो ऐसा होता था ना, पहले फोन वोन नहीं होते थे, जब मैं जिस जनरेशन से हूँ, हाँ मतलब आज से 20 साल 25 साल पहले की हम बात करें, बिल्कुल तो उस टाइम इतना फोन वोन वाली चीजें नहीं होती थी। बच्चे बाहर घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ है, घरों पे लोग इंडोर गेम्स खेल रहे हैं, आउटडोर गेम्स को खेल रहे हैं। बट बिल्कुल अब का जनरेशन ऐसा हो गया कि सबके पास फोन है, मोबाइल है, तो बिल्कुल सब अपने मोबाइल पे ही घुसे हुए हैं। इवन मम्मी पापा के पास भी अपने काम के अलावा इतना टाइम नहीं कि वो बच्चों से दे सके या बच्चों की लाइफ बिल्कुल में क्या चल रही है उस बारे में डिस्कस कर सके। तो क्या मैं चल रहा ऐसा है। सोच रही हूँ कि वो बहुत जरूरी है कि हमारे जो भी बच्चे हैं उनके साथ हम उनका डेली रूटीन एटलीस्ट डिस्कस तो करें कि उनके आज के दिन में हुआ क्या, या उनके स्कूल क्या कैसा हुआ, चला, या उनको किस चीज की जरूरत तो नहीं है, या उनको किसी ने बुली तो नहीं किया, या उनको मतलब उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। शाम को जब क्या बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, या आप कम से कम 10 मिनट अपने फैमिली को दो, अपने बच्चों को दो, जिससे हम उन बच्चों के बारे में, उनके बच्चों, हमारे बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है उस बारे में जान सके। तो वो एक बोलते हैं ना फैमिली ग्रुप, और वो फैमिली ग्रुप डिस्कशन वो बहुत जरूरी पार्ट है मैं सोचती हूँ फैमिली का, और हमारी कम्युनिटी के लिए। तो मैं सोचूंगी कि अगर ऐसे डिस्कशन फैमिली में होते सच उस टाइम में ऐसे डिस्कशन मतलब होते ट्रांसजेंडर्स को लेके तो उस नहीं होते टाइम पे, थे बात अभी भी मतलब लेकिन। अभी भी हाँ वही है। हम हर जगह एक सीनरी की बात नहीं करते, मतलब अगर देखा जाए बड़े शहरों की बात, ठीक है बड़े शहरों में भी वही है, पेरेंट्स को समय नहीं है, वो उनको सारी की सारी चीजें, सुविधाएं उपलब्ध करा के बच्चों के लिए छोड़ देते हैं बस, बाकी बात हाँ करने का समय ही नहीं है। और बाद में वही मतलब है। हाँ क्वालिटी टॉक कैसा हो, वो मामला बड़ा मुश्किल है ना यहाँ, ये है। हाँ देखिए क्या होता है कि आजकल के जो मम्मी पापा हैं वो स्कूल छोड़े अपने ऑफिस चले गए, फिर शाम को आ रहे हैं, वो बिल्कुल खुद थके हुए हैं, बच्चे से क्या बात करें। तो आधा मुझे ऐसा लगता है बच्चों बच्चों का उस पे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और क्वालिटी टॉक्स की मैं बात करूं तो मैं तो यही सोचती हूँ एटलीस्ट दिन में आप 10 to 20 मिनट्स अपने फैमिली के लिए निकालिए, और दिन बिल्कुल भर जो भी चीजें हुई, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच हो, चाहे पेरेंट्स टू चिल्ड्रंस हो, तो एटलीस्ट उस टाइम जो भी 10 to 20 मिनट्स का जो टाइम है अगर हम उस पे डिस्कशन करते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट रहेगा। मैं देखती हूँ कि आजकल मतलब मैं बोलना चाहूंगी स्कूल का एक एक्सपीरियंस रहा मेरा। मैंने जैसे बताया कि करिकुलम में ट्रांसजेंडर्स के ऊपर चैप्टर शामिल है, हाँ शामिल है। तो एक बच्चे ने उठ के बड़े मतलब हम एक स्कूल में गए थे, तो उसकी मम्मी उसको होमवर्क वगैरह कराती है, तो उसकी मम्मी को भी नहीं पता है कि ट्रांसजेंडर क्या है। उसने देखा जरूर है कि ट्रांसजेंडर क्या होता है कैसे होता है, वो बच्चा अपनी मम्मी को बता रहे हैं कि मम्मी हमको स्कूल में ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाई गई हैं। तो मतलब वो बच्चा भी अपनी मम्मी को अवेयर कर रहा है ट्रांसजेंडर के ऊपर, क्योंकि उसने स्कूल में पढ़ा। बिल्कुल तो वो नॉलेज बहुत जरूरी है, जब तक हम और भी एज ए करिकुलम्स में ऐड नहीं करते हैं तब तक ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है कि हम अवेयरनेस बढ़ा पाए। वही मैं बोल रही हूँ कि गांव से लेके हमको बड़े शहरों तक लोगों को अवेयर करना है ट्रांसजेंडर्स के ऊपर, बिल्कुल
तब ज्यादा से ज्यादा हम मेन स्ट्रीम में जुड़ पाएंगे, ट्रांसजेंडर समुदाय मेन स्ट्रीम में जुड़ पाएगा। आज मैं देखती हूँ, मैं बालको गई हुई थी, वेदांता बालको, वहां पर 17 से 18 ट्रांस वुमेन्स वहां पर काम कर रही है। तो मैं जब ऐसे वर्किंग ट्रांसजेंडर लोगों को देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। हम टाटा स्टील की बात करें, वेदांता की बात करें, उसके अलावा और भी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ कैफे हैं, कुछ रेस्टोरेंट हैं, कुछ अच्छे होटल्स हैं, उनपे ट्रांसजेंडर आज काम कर रहे हैं। तो ये काम देख कर के रहे हैं। बड़ी खुशी होती है, और मैं देखती हूँ कि ऐसे लोग अगर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो मेन स्ट्रीम का पार्ट है। या आज मैं अपनी बात करूँ, एज अ इन अ पुलिस डिपार्टमेंट जब मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं मेन स्ट्रीम से कनेक्ट हूँ। मगर मेरी बाकी कम्युनिटी का क्या, जो आज भी कहीं ना कहीं वो बैगिंग करके अपना घर चला रहे हैं, तो सच वो बात भी एक ऑप्शन जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन अगर हमको मिलेगा तो मुझे लगता है हम मेन स्ट्रीम से और ज्यादा इंक्लूड हो पाएंगे। और फैमिली सपोर्ट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चे को पढ़ाएंगे ही नहीं अच्छे से, या फैमिली में सपोर्ट वही ही वही नहीं बिल्कुल मिलेगा बचपन में, तो फिर वो बच्चा एम्प्लॉय कैसे हो पाएगा? उसकी एजुकेशन भी तो अच्छी होनी चाहिए। बच्चा पढ़ेगा अच्छा तभी जाके आगे कुछ अच्छा कर पाएगा। बिल्कुल तो मतलब फैमिली सपोर्ट इज अ मस्ट थिंग फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। और फैमिली सपोर्ट है तो एजुकेशन भी अच्छा मिलेगा, मतलब उसका वही मोरल भी अच्छा रहेगा, और वो और अच्छी चीजों को कर पाएगा, मेन स्ट्रीम से कनेक्ट कर पाएगा। ये तो मैं सोचती हूँ कि फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जी एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि पढ़ाएंगे नहीं बच्चों को, उनको अगर पहले ही बुली करके बाहर निकाल दिया गया तो कैसे पढ़ेंगे बच्चे? पढ़ेंगे नहीं तो फिर वो उनका क्या ही भविष्य होगा ना? वही मामला सारा यही जी बनता जी है। जी बिल्कुल आज भी इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ट्रांसजेंडर है, लगता नहीं, एक्चुअल में वो चीजें है। हैं, सर्वे भी हुआ है कि बहुत सारे जो ट्रांसजेंडर जो बच्चे होते हैं वो स्कूल टाइम में ही ड्रॉप ड्रॉप आउट हो जाते हैं वही वही बिकॉज ऑफ देयर जेंडर और देयर सेक्सुअलिटी, क्योंकि उनको जज किया जाता है स्कूल में। तो ड्रॉप आउट के कारण ना फिर वो ट्रांस कम्युनिटी आगे नहीं बढ़ पाती, और सबके पास इतना मतलब दिमाग नहीं है, या मैं क्या बोलूं, सपोर्ट नहीं रिसोर्सेस है, भी मैं नहीं है बोलूं ना, संसाधन भी नहीं है रिसोर्सेस उस भी तरह नहीं है। के हाँ, ना। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 8th में ड्रॉप आउट किया, मगर मुझे पढ़ना था वाला डिटरमिनेशन था, तो मैंने 10th प्राइवेट कर लिया, 12th प्राइवेट कर लिया, और मैं कॉलेज भी मेरा कंप्लीट हो गया। मगर सब बच्चे के अंदर इतना सपोर्ट वाली नहीं चीजें नहीं है, फैमिली भी नहीं सपोर्ट करेगी, कहीं से कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो फिर बच्चा ड्रॉप आउट करने के बाद क्या होगा कि ठीक है मैं कुछ दिन काम करता हूँ या काम करती हूँ, और फिर ज्यादा से ज्यादा होगा तो फिर किसी हमारे कम्युनिटी में जो अलग अलग बैगिंग करने वाले जो ग्रुप्स उन्हीं है के साथ उन ग्रुप्स पे जाके फिर, तो ये वही। सारी चीजें। पुलिस तो पुलिस में जाने का ख्याल कैसे आया आपको? हाँ अगर मैं पुलिस में जाने की बात करूं तो 2017-18 की बात है, 17 में वैकेंसीज निकले थे पुलिस को लेके। पहली बार ऐसा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट की तरफ से कि हम ट्रांसजेंडर्स को पुलिस में इंक्लूड करेंगे। तो जब ऐसा आया तो मुझे विद्या जी का कॉल आया, उन्होंने बताया मुझे कि फॉर्म भरा रहे हैं पुलिस के लिए, तो आप भर सकते हैं ऐसा करके। तो मैंने फॉर्म भरा था, उसके बाद मैं उस टाइम कोरबा में रहा करती थी। कोरबा से फिर मैं आई यहाँ पर, विद्या जी से बात हुई, विद्या जी के साथ में विद्या जी के घर पे रह के मैं अपनी पूरी प्रैक्टिस करती थी, और पहला मतलब चांस था हमारी कम्युनिटी के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि ट्राई तो एटलीस्ट करना चाहिए। बिल्कुल हाँ, कहीं से मौका मिला है तो हम एटलीस्ट ट्राई तो करें, जो होगा वो देखा जाएगा। तो यही सोच के मैंने अप्लाई किया था, और मेरे साथ और भी मेरे साथी लोग थे जिन्होंने अप्लाई किया। हमने फिजिकल के लिए दौड़ लगाई, फिर रिटर्न एग्जाम के लिए हम बहुत मेहनत की, पढ़ाई की, सरकार ने भी हमें सपोर्ट किया। तो ये सारी चीजों करते करते आज फाइनली मैं टिकरापारा थाने में पदस्थ। तो ये बहुत बिल्कुल बड़ा मतलब बहुत अच्छी चीज है हमारी कम्युनिटी के लिए। बिल्कुल और अगर मोटिवेशन की बात करूं तो मैं आज भी जब मैं बहुत सारे अपने कम्युनिटी के लोगों को देखती हूँ जो काम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। इवन आज जब कम्युनिटी के लोग मुझे वर्दी पे देखते हैं तो बोलते हैं, दीदी हमें भी आपके जैसा बनना है। तो मैं सोचती हूँ कहीं ना कहीं मैंने एक कुछ तो एग्जाम्पल सेट किया है कम्युनिटी के लिए, कि आज कम्युनिटी मेन स्ट्रीम में खुद जुड़ना चाह रही है, और मतलब
बहुत सारे लोग को देखते हैं और मुझे देख के मोटिवेट होते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है। या अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पुलिस के लिए, तो बच्चे पूछते हैं, दीदी हमने ना ये, हम ऐसा दौड़ रहे हैं या हम ऐसा हाई जंप कर रहे हैं, हम पढ़ ये रहे हैं, आप कुछ एडवाइस कीजिए ना कि हम क्या पढ़ें या कैसे मतलब प्रैक्टिस करें। तो ये सब चीजें सुन के भी अच्छा लगता है कि मतलब हम कुछ बच्चों को तो एटलीस्ट मोटिवेट कर पाए, कुछ बच्चों को तो इंस्पायर कर पाए जो आज वो मेन स्ट्रीम में कनेक्ट होना चाह रहे हैं या जॉब पाने चाह रहे हैं। मतलब वो वाली लाइफ को छोड़ के, बैगिंग वाली लाइफ को छोड़ के आज तुम तो मेन स्ट्रीम में कनेक्ट हो रहे हो, जॉब के बारे में सोच रहे हो, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मैं ऐसा सोचती हूँ हमारी कम्युनिटी के लिए। जी सही बात है, बदलाव हो रहे हैं। पहला बदलाव आप जब देखेंगे, जब ट्रेन के वो रिजर्वेशन के टिकट भरे जाते थे, उस समय ट्रेन के हम सीट आरक्षित करते थे, हाँ उसमें भी बिल्कुल वहीं से शुरू हुई थी थर्ड जेंडर की बात कि उनको भी इंक्लूड करना है एनी अदर करके। तब से लेके अब तक का सफर, मतलब ये कह लीजिए कि आशाएं तो बनी है काफी सारी। अब समाज कैसे बदलता है वो एक और बात है। तो आपको अगर ऐसे लगे, जैसे आपने अगर एंटर किया इस जॉब के अंदर, तो एक्सेप्टेंस का क्या रहा, मतलब लोगों का क्या रवैया रहा, कि आसानी से सहजता से स्वीकार्यता थी, या कुछ चीजें ऐसी लगी, कोई ऐसा कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत आगे बढ़ के सपोर्ट किया होगा, तो उनको अगर कुछ कहना चाहे उस बारे में। मैंने 2021 में जॉब ज्वाइन किया था भारती जी, और जब जी हम ड्यूटी पे जाते थे ना, तो लोगों के पॉजिटिव नेगेटिव वाले रिस्पांस रहते थे। हाँ मतलब बहुत अच्छे पॉजिटिव लोग भी मिले और एक आध दो नेगेटिव लोग भी मिले कि ये जी लोग क्यों वाले, ये तो वो क्यों है। दोनों हाँ चीजें। हाँ ठीक है, और मैं सोचती हूँ कि डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, डिपार्टमेंट में बहुत सपोर्टिव लोग हैं, मगर 100 में अगर कोई एक थोड़ा नेगेटिव है, तो मैं सोचती हूँ कि अगर एक नेगेटिव है फिर भी सारी चीजें तो पॉजिटिव हैं। अब सही एक बात आध है। दो एक्सेप्शन रहेंगे, और सपोर्ट बहुत मिला लोगों का। मैं वही बताई कि डिपार्टमेंट में आज, क्योंकि हमारे लिए नया था, डिपार्टमेंट के लिए भी नया था, तो उनको भी हमको थोड़ा एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, क्योंकि तुरंत किसी चीज को एक्सेप्ट हम भी नहीं कर सकते, नहीं बट सकते, वही डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से हमें एक्सेप्ट किया, डिपार्टमेंट के लोगों ने एक्सेप्ट किया, और फील्ड में हमको उसका अच्छा रिस्पांस मिला। तो ये सारी चीज थी। एक दो ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट थे जो कभी कभी हमें हर्ट किए, या हम ड्यूटी पे हैं तो कोई ऐसे क्वेश्चंस कर रहा है, बट बाकी सारी चीजें मैं बोलूंगी पॉजिटिव वे में थी, और मैं पॉजिटिव ही लेके चीजों को चलती थी। तो मुझे जॉब पे ऐसा अभी तक कुछ ऐसा नेगेटिव ज्यादा फेस नहीं करना पड़ा है। इवन जो मेरे बाकी साथी भी हैं जो मेरे साथ अभी भर्ती हूँ, उनको भी मैं ऐसा सोचती हूँ कि उनको कोई नेगेटिव चीजें फेस नहीं करनी पड़ी होंगी। बिल्कुल। जी ऐसा कोई वाकया याद आता है जो दिल को छू गया हो कि वाह, मतलब यही यही है राइट चॉइस, या ऐसा यही लाइफ का क्षण था जो मुझे महसूस करना था, ऐसा अगर कुछ वाकया याद आता हो तो बिल्कुल बताइए। देखिए, मैं मतलब हम तो आज तक देखते आए टीवी पे, या हम क्राइम पेट्रोल की बात करें कि कोई पुलिस आ रही है, पकड़ के ले जा रही है, चोर को ढूंढ रही हाँ है, मर्डर को ढूंढ रही है, या कोई किडनैप कर लिया है उसको लेके जा रही है। तो जब मैं थाने में, जब मेरी थाने में पोस्टिंग हुई, तो एक दो ऐसे केसेस आए, मतलब बच्चियों का घूमना या बच्ची घर छोड़ के कहीं चले गए हैं, तो ऐसे जब इंसिडेंट आए ना, तो मुझे एक दो अलग अलग राज्यों में जाने का मौका मिला। जैसे मैं दिल्ली गई हुई थी एक बच्ची को लाने, वो गुमशुदा थी, उनके मम्मी पापा ने रिपोर्ट लिखवाई थी, तो लिटरली हम वहां गए और वहां जाके हम बच्ची को ढूंढ रहे हैं कि वो बच्ची कहाँ है, दिल्ली पूरा खोज रहे हैं, उसका मोबाइल ट्रैक कर रहे हैं, और फिर वहां पर दिल्ली से हरियाणा के बॉर्डर पे जाना, दिल्ली दिल्ली हरियाणा वाले बॉर्डर पे जाना, फिर वो बच्ची को ढूंढ के वापस लाके उसके मम्मी पापा को सौंपना। मतलब ये जब मैं मोमेंट देखती हूँ ना कि मैं किसी की हेल्प आई हेल्प कर पाई किसी को हेल्प कर पाई, किसी के बच्चे को वापस दिला पाई, तो ये जो मोमेंट्स है ना, वो और मैं कहीं ना कहीं ऐसा सोचती हूँ कि अगर आज मैं डिपार्टमेंट में हूँ और ऐसा कुछ काम कर पा रही हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और मैं देखती हूँ, मतलब लोगों का ऐसा भी रहता है ना कि दीदी आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, आपने हमारी बच्ची को ढूंढ के लाया, तो जो उनकी खुशी होती है ना, उनको देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं उनकी मदद कर पाई। तो ये है। आपके चेहरे से एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा है कि वो जो फील होता है ना, वो कितना अंदर तक छू जाता है।
यस 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 एक्टिविस्ट के रूप में भी आप काम कर रहे हैं ना, थर्ड जेंडर एक्टिविस्ट के रूप में भी कुछ, तो किस तरह का काम उसमें कर रहे हैं हम लोग? मैं डिपार्टमेंट में आने के बाद थोड़ी चीजें कम हो गई हैं, क्योंकि हमारे थोड़े से प्रोटोकॉल्स हैं। पहले प्रोटोकॉल मैं बिल्कुल कोरबा में थी। हाँ, पहले मैं जब कोरबा में थी तो मैं कोरबा में जितने भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ उनका चिन्हांकन करना, उनके आईडी कार्ड्स बनाना, ये सारी चीजें हम करती आ रही थी। अभी भी मैं बीच बीच में कम्युनिटी के लिए कुछ इवेंट्स होते हैं उनमें पार्ट लेती हूँ। जॉब में आने से पहले एक हमारा छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति है रायपुर में, जो कि जी पूरे छत्तीसगढ़ में काम करता है ट्रांसजेंडर वेलफेयर के लिए। उनकी जो अध्यक्ष है विद्या राजपूत जी, उनसे मैं मिली थी 2014 में। तब मुझे इसके बारे में पता था, चला था मितवा संकल्प समिति के बारे में। तो तब से एक्टिविज्म धीरे धीरे मैंने चालू किया था। यहाँ तो एक्टिविज्म पहले से था, कोरबा में मैंने उस टाइम 15-16 में लगभग मैंने हमारा स्टार्ट हुआ था। और फिर जी आज भी मैं जैसे कि वो छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति है, वो आज एक शेल्टर होम रन करती है, ट्रांसजेंडर शेल्टर होम रन करती है हाँ सरूना रायपुर में, जी जो जी तृतीलिंग समुदाय के जो भी बच्चे हैं उनको पुनर्वास देना, उनको एजुकेशन देना, उनके लिए मतलब वहां रह के आप पढ़ाई कर सकते हो, जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, स्किल्स ले सकते हो। तो ये पूरा एक्टिविज्म का ही पार्ट रहा। और मैं आज भी वहां जब बच्चों को मतलब वहां जब जाती हूँ और देखती हूँ कि बच्चे इतना कुछ कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और एक्टिविज्म में जॉब में आने से पहले मैंने विद्या राजपूत जी के साथ और भी कुछ कुछ काम किए हैं, कुछ और अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया, कुछ इंडिया एचआईवी अलायंस के साथ काम किया, हम सफर ट्रस्ट के साथ काम किया। तो ये सब कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थे, तो इसमें हम ट्रांसजेंडर वेलफेयर को लेके काम करते थे, चाहे उनके लिए सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स कैसे बनानी है, उनको आईडी कैसे प्रोवाइड करना है, उनको सेफ इन्वायरमेंट कैसे देना है, उनके हेल्थ को लेके हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो इन सभी चीजों पे हम फोकस करते थे। तो ये एक्टिविज्म का पार्ट रहा। अभी जी मैंने किताब पढ़ी थी, मतलब सभी को पढ़नी चाहिए वो भी किताब, पुरुष तन में फंसा मेरा नारी मन, एक बहुत अच्छी राइटर, उनका नाम मैं किताब वो ढूंढने की ही कोशिश कर रही हूँ कि उसका एक सेकेंड। हाँ, मानवी बंदोपाध्याय जी हैं ओके okay, हाँ, शीज अ ट्रांस वुमेन ना, और एंड इतनी हाँ सुंदर पुस्तक उन्होंने लिखी है, तो उसको पढ़ने के बाद मतलब हिल जाएगा व्यक्ति, इस तरह से उनके साथ जो भी चीजें हुई हैं, तो उससे हाँ सब हाँ मतलब समाज का जो कितना क्रूर चेहरा भी हो सकता है ना, वो उनकी पुस्तक में समझ में आता है। जी तो वो जी जी पुस्तक मैं जी सबको कहती हूँ कि प्लीज पढ़िए इसको, तो समझ में आएगा कि हम जब ये कहते हैं ना कि सब कुछ अच्छा है, बहुत सारे हाँ लोगों के साथ बहुत कुछ चीजें अच्छी नहीं है जिनको हमको बहुत सारी चीजें बदलनी है। हाँ तो हाँ मुझे मतलब इसमें लगता है कि दो तरीके की चीजें होती है ना, कि एक तो ये कि उनको पता ही नहीं है कि उनको क्या नहीं पता है, मतलब बहुत सारे लोगों को ये ज्ञान ही नहीं होता हाँ है कि हाँ उनको क्या चीजें और जानने की जरूरत है, और कुछ लोगों को पता होता है लेकिन वो जो पुरानी मान्यताएं हैं ना, अपनी मान्यताओं का चैलेंज करना सबसे मुश्किल काम होता है। तो वो मान्यताएं चैलेंज कैसे होंगी, तो उसके जब तक उस चैलेंज करने का साहस नहीं आएगा तब तक हम किसी नई चीज को स्वीकारते नहीं है। तो ये मुझे बिल्कुल हमेशा से बिल्कुल लगता है आपने कि इसीलिए बहुत सारी बात होनी चाहिए, खूब डिस्कशन होने चाहिए, खूब गहमा गहमी होनी चाहिए, और उस तरह से जिसको कहते हैं इस तरीके का आंदोलन चलाया जाना चाहिए किसी भी नई चीज के लिए, इसीलिए बिल्कुल बहुत बिल्कुल जरूरी है। तो आखिरी सवाल हम ले सकते हैं, ट्रांस के प्रतिनिधि के रूप में समाज से और क्या क्या अपेक्षाएं हैं? कुछ चीजें आपके लिए सूटेबल रही लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए शायद बहुत सारी चीजें अभी भी मुश्किल है। कितनी जगह मैंने देखा माँ बाप बच्चों को दूर छोड़ के आ जाते हैं, बिठा के नदी किनारे छोड़ दिया, पहाड़ों में छोड़ दिया, क्योंकि वो उनकी लड़का या लड़की की परिभाषा में सूट बैठते नहीं है फिट। तो बहुत मैं सारी ऐसा चीजें, तो बोलती हूँ कि क्या समझते हाँ, हैं, क्या सोचते हैं? प्रतिनिधित्व के तौर पे मैं बोली ना, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जब हाँ तक माँ बाप अवेयर नहीं होंगे, या उनका जो जो जब तक हमारी सोसाइटी ट्रांसजेंडर को लेके अवेयर नहीं होगी, तब तक चीजें अच्छी नहीं हो सकती। एंड मैं ऐसा समझती हूँ कि वो बहुत जरूरी पार्ट है कि हम बच्चों को समझें और माँ बाप उनको सपोर्ट करें। एज अ ट्रांस एक्टिविस्ट मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हमारी कम्युनिटी का कोई भी दिख रहे हैं, कोई भी हमारी कम्युनिटी से दिख रहे हैं, तो प्लीज उनको सपोर्ट करें। और बिल्कुल स्पेशली मम्मी पापा, अगर हम ऐसे कोई बच्चे हैं आपके घर पे, तो उनको सपोर्ट करेंगे तो बहुत चीजें अच्छी हो जाएंगी और कम्युनिटी के लिए भी बहुत अच्छा होगा, और जो आपका आने वाला जो बच्चा है या मेन स्ट्रीम में कनेक्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप ही नहीं सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो बच्चा घर से अलग हो जाएगा या आपको भी अलग करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, मैं बोल सकती तभी तो हूँ।
सबूरी जी, बहुत अच्छा लगा, और मतलब मैं आपके साहस की प्रशंसा करना चाहूंगी कि एक मंच पर आके अपनी बात इतने हौसले के साथ कहना, इतने स्पष्टता से कहना, अच्छा लगा मुझे। और मैं हमेशा से, बड़े दिनों से आपसे बातचीत करने के लिए उत्सुक भी थी, ये चल भी रहा था, तो आज उसका सहयोग धन्यवाद। सिद्ध हुआ, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि जो कुछ हमें दिखता है, चीजें केवल उतनी सीमित नहीं होती हैं, या जो कुछ हमारी मान्यताएं गढ़ी जा रही हैं, चीजें उतनी सीमित नहीं होती है। हमने यस बाइनरी में लिंग को देखा है, जेंडर को देखा है, क्योंकि हमारे समाज की आवश्यकता थी कि स्त्री और पुरुष मिले और बच्चे पैदा करें और समाज आगे बढ़े, दैट्स व्हाट। यस इसलिए हमने, और स्त्री के लिए कुछ खास तरीके की परिभाषाएं बना दी गई, पुरुष के आचरण के लिए खास तरीके की परिभाषाएं बनाई गई, हमने उन खांचों में उनको फिट करना शुरू कर दिया। लेकिन समाज और प्रकृति, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो प्रकृति, केवल प्रकृति का एकमात्र उद्देश्य केवल संतति बढ़ाना नहीं है, प्रकृति ने और भी बहुत सारी चीजें रखी हुई है। तो समाज और बिल्कुल प्रकृति के डिफरेंस को हमको समझना पड़ेगा, और स्वीकार्यता हर चीज की बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जो हमने नहीं देखा वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा नहीं होता है। तो कई बार हम वय के उत्तर काल में कुछ चीजें देखते हैं जो सडनली लगता है कि हाँ, ऐसा भी तो होता है, ये भी चीजें एग्जिस्ट करती है। तो मैं ठीक सभी ठीक से यही अपेक्षा करूंगी, दर्शकों से भी, कि खूब सारी बातचीत कीजिए, खुले मन से इन सब मुद्दों पे बात कीजिए, और आपको जो भी इस तरह के जितने भी लोग दिखे जिनको आपके एक हाथ बढ़ाने की आवश्यकता है, सिर्फ एक सपोर्ट, एक कंधे पे रखा हुआ हाथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकता है। तो सबूरी जी से भी आप बात कर सकते हैं, उनसे इस तरह के, इसमें अगर किसी तरह की परामर्श की आवश्यकता है, किसी तरह की बातचीत की जरूरत है, तो वो भी आपके साथ हमेशा उपलब्ध रहेंगी, हम सब भी इसके लिए खड़े रहेंगे हमेशा। तो हम कम से कम इतना ही आज की बातचीत से संकल्प ले, इतनी बातचीत सोचे ये कि हाँ, एक स्वीकार्यता बढ़ाई जाए, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने तरीके से जीने का अधिकार है, हमारा संविधान अधिकार देता है, और संविधान ने जो अधिकार दिया है उसको समाज खारिज नहीं कर सकता है। तो यस इसी यस के साथ बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबूरी जी, आपसे धन्यवाद आगे भी कुछ और मुद्दों धन्यवाद पे बात भारती जी। करेंगे जरूर हम। जरूर जरूर, सॉरी मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे पाई उसके कोई लिए, बात नहीं, क्योंकि मैं आपसे हम अभी फिर भी समय चुरा लेंगे, हम फिर से आपका समय चुरा आपसे लेंगे, जरूर एक दिन कभी ऐसे, है मिलूंगी, ना। पक्का आपसे मिलूंगी।